सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। फिजिस्ट किट को लेने के कितने दिन के बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ये मिफेजेस्ट किट है, इसके अंदर आपको 5 टैबलेट देखने को मिल रही है। पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन होती है, और बाकी की जो 4 टैबलेट हैं गाइस ये मिजोप्रोस्टोल टैबलेट होती हैं। तो अगर इसके काम करने की बात करें तो गाइस जो पहली टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, ये प्रोजेस्टेरोन के एंटागनिस्ट होती है, मतलब कि जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये उसको ब्लॉक कर देती है जिससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। अगली जो 4 टैबलेट हैं मिजोप्रोस्टोल, अगर इसके वर्किंग की बात करें तो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, मतलब कि जो बच्चेदानी है उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, और जो भी प्रेगनेंसी का मटेरियल होता है वो यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन के कारण यूट्रस से बाहर आ जाता है और आपका अबॉर्शन हो जाता है। ओके, और अगर आप प्रेस्क्राइब मेथड से इस किट को ले रहे हो तो आपके डॉक्टर ने ऑफकोर्स आपको बताया होगा कि टैबलेट को कैसे लेना है, लेकिन अगर आपको इस किट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कैसे इस टैबलेट को यूज़ करना है, कौन कौन से इसके आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और कौन कौन से इस टैबलेट के प्रिकॉशंस होते हैं, क्या क्या इस टैबलेट को लेने पर होता है, एक डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पर, आप आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। तो बैक टू द टॉपिक कि मिफेजेस्ट किट को लेने के बाद आपको ब्लीडिंग कितने टाइम बाद शुरू हो जाती है। तो गाइस देखिए, पहली टैबलेट जो मिफेप्रिस्टोन की होती है, इस टैबलेट को लेने पर यूजली कुछ भी नहीं होता है। जो गर्भपात के साइनो सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, नोजिया वोमिटिंग होना, बैकएक होना, डिजीनेस होना, ये सब मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लेने पर नहीं होता है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस की अगर बात करें तो कई फीमेल्स ऐसी हैं जिनमें लाइट एब्डोमन पेन, लाइट स्पॉट देखने को मिला है, या फिर नोजिया देखने को मिला है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, ना के बराबर। ओके, अगली जो टैबलेट है मिजोप्रोस्टोल, जब आप इन टैबलेट्स को लोगे तो इन टैबलेट्स के लेने के 30 से 4 घंटे के बीच में आपको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, साथ ही एब्डोमन क्रैम्प्स भी शुरू हो जाएंगे, साथ ही कई फीमेल्स को नोजिया वोमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक, बैकएक और लोअर एब्डोमन पेन जैसी कंडीशंस भी शुरू हो जाती है। लेकिन गाइस घबराने की बात नहीं है, ये सभी चीज़ें ये शो करती हैं कि जो आपने अबॉर्शन पिल ली हैं ये अपना काम कर रही हैं, और आपका जो प्रोसेस है अबॉर्शन का वो शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो पिल्स हैं, जो ये किट है, ये अपना काम कई बार 24 घंटे तक भी शुरू करती हैं, और बहुत ही रेयर कंडीशन है जहां पर ये किट 24 से 48 घंटे में भी अपना काम शुरू करती हैं, लेकिन बहुत ही रेयर है। ये किट अपना जो काम है ये 30 मिनट से 4 घंटे में शुरू कर देती है, और आपने 24 घंटे तक वेट करना है। अगर आपको कोई भी साइनो सिम्टम्स महसूस नहीं होते, ना ही आपको एब्डोमन क्रैम्प्स शुरू हो रहे हैं, ना ही आपको ब्लीडिंग शुरू हो रही है, इसका मतलब ये है कि इस किट ने काम नहीं किया। अब काम ना करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने इस किट को गलत मेथड से यूज़ किया हो सकता है कि जो किट यूज़ की है वो एक्सपायर हो गई हो सकता है कि किट जो आपने ली है वो लोकल ब्रांड की हो, या हो सकता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, या फिर आपको प्रेगनेंसी ही ना हो। ओके, लेकिन अगर आप इस किट को राइट मेथड से राइट टाइमिंग पर लोगे, और जो आपको प्रेस्क्राइब मेथड डॉक्टर ने बताया है अगर आप उस मेथड से लोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे।